अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री हुए कार्यकाल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और आईडी स्वामी का फरीदाबाद के एक अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को धार्मिक विधि विधान के साथ यहां करनाल के अर्जुन गेट शिवपुरी में उनको संस्कार किया गया। उनको सुपुत्र राजेंद्र स्वामी द्वारा अग्नि दी गई और संस्कार किया। संस्कार के समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने पुष्प चक्र के साथ उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा, कृष्ण लाल पंवार, चेयरमैन रणधीर सिंह, गोलन करनाल के मेयर रेणुबाला गुप्ता, जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार त्रिलोचन सिंह, अरविंद मान, अशोक खुराना, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा सरकार में गृह मंत्री अनिल विज, विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता, पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता, अशोक सुखीजा, चंद्र प्रकाश कतूरिया, कांग्रेसी नेता ललित बुटाना, विनय कुमार के अलावा शहर के गणमान्य व्यक्ति तथा धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संगठनों के लोग मौजूद रहे और उन्होंने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आईडी स्वामी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां हम आपको ये बता दें कि आईडी स्वामी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हरियाणा की ओर से एकमात्र गृह राज्य मंत्री बनाए गए थे जिनका भारतीय जनता पार्टी में बड़ा कद था। उनके निधन के उपरांत भारतीय जनता पार्टी एवं उनके परिवार को गहरा झटका लगा है। आईडी स्वामी के निधन पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आईडी स्वामी को हरियाणा पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ श्रद्धांजलि दी गई एवं हवाई फायर कर उनको सम्मानित किया गया। देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर यह खास रिपोर्ट। राजनीति में होते हुए भी लोगों से प्यार किया है और लोगों के बीच में रहे हैं। ऐसे एमपी, ऐसे मंत्री हमें कम मिलते हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र के ऊपर कोई दाग न लगने दिया हो। तो ये बेदाग व्यक्ति थे श्री आई डी स्वामी जी। मेरा और जहां तक उनका सवाल है, 1990 से लेके 1990 से लेके आज तक लोगों का, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आपका बड़ा साथ है, मैं क्या पॉलिटिकल लोगों में बहुत कम लोग होते हैं जहां दो लोग अपनी इच्छाएं रखते हों तो वो इकट्ठे रहें आखिर तक उनका प्यार मिला रहे। ये जग जाहिर है, सारे शहर को पता है, हर दुख और सुख हम इकट्ठे जाते थे जब पार्टी की मीटिंग हो जाए। ऐसे तो उन्होंने भजन लाल जी को एक बड़े भजन लाल जी से हराया था और ऐसे मौके पर तो ये है, हराया तो था भजन लाल को, ये कोई शक की बात नहीं है। ऐसी बड़ी जो जिसकी पीएचडी उन्होंने फेल की, कहता था भाई आज तक नहीं आ रहा, तो परमात्मा जब साथ देता है, सहयोग देता है, तो ऐसी बातें बन जाती हैं। तो मैं ऐसे मौके पर ज्यादा कुछ ना कहता हुआ सिर्फ इतना ही कहूंगा, परमात्मा हमें और हमारे परिवार को शांति दे, हौसला दे, हम उनके पदचिन्ह पर चलने का प्रयास करेंगे। दूसरी और अभी समाचार के संपादक देवेंद्र गांधी की माता श्रीमती प्रेम लता का अचानक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार भी आज सोमवार को रामनगर से शिवपुरी में किया गया। आपको बता दें कि पत्रकार देवेंद्र गांधी की माता प्रेमलता पिछले काफी दिनों से बीमार चल रही थी। उन्हें चंडीगढ़ स्थित पीजीआई भी ले जाया गया था।
देवेंद्र गांधी पिछले काफी समय से अपने बीमार माता की देखरेख में लगे हुए थे। हालांकि एक बार उनकी माता स्वस्थ भी हो गई थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। रविवार के बाद दोपहर अचानक उनका निधन हो गया। सोमवार सुबह 10 बजे रामनगर से शिवपुरी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जिले के अधिकांश पत्रकार, कई भाजपा नेता, सामाजिक संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ साथ कई सैकड़ों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकार देवेंद्र गांधी के निवास स्थान पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने पत्रकार देवेंद्र गांधी तथा उनके पारिवारिक सदस्यों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि मां भगवान का दूसरा रूप है। उनके चले जाने से निश्चित रूप से परिवार को बड़ी हानि हुई है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे सभी बेबस हैं। सीएम ने कहा कि भगवान आपको यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और माता का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। सीएम ने यह भी कहा कि अंतिम क्षणों में परिवार के लोगों ने एकजुट होकर माता प्रेमलता की जो सेवा की है वह अविस्मरणीय है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, मेयर रेणुबाला गुप्ता, समाचार एक्सप्रेस के MD अनिल लांबा, समाचार एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हरीश चावला, हरिभूमि अखबार के ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र खुराना, पंजाब केसरी के पत्रकार विजय गुलाटी, दैनिक भास्कर के पत्रकार अनिल भारद्वाज, फोटोग्राफर चमन लाल, पत्रकार JP कटारिया, वरुण गुलाटी, वीर भान, देवी दयाल, पत्रकार कदम सिंह, भाजपा नेता शमशेर नैन, पत्रकार शैलेंद्र जैन, पत्रकार पंकज शर्मा समेत नगर के सैकड़ों लोग मौजूद थे। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।